तो आज सब कुछ उबालने पर आ रहे हैं, चावल उबालना, आलू उबालना, एग्स उबालना। एग्स उबालेंगे एक विसिल में बिल्कुल तैयार, कुछ नहीं डालना पड़ेगा साथ में। आलू उबालना तो एक चम्मच नमक, चाहे आप आलू कम उबालो चाहे ज़्यादा, एक चम्मच नमक काफ़ी है और जितने में भिग जाए काफ़ी है उतना पानी। और रही बात आलू के साइज़ की, मीडियम साइज़ का 3 विसिल, ज़्यादा बड़ा हो जाए तो 5 विसिल हो गया। और आलू के साथ चावल, चावल भी सिर्फ 1 विसिल में बन जाएगा, डबल पानी, 10 मिनट भिगोना और 1 विसिल, तो सारी चीज़ें फटाफट तैयार होने वाली है। आलू का तो ये है कि आपने उबाले खूब सारे और फ्रिज में रख लिए, जब भी आपको लग रहा है जल्दी है, हमें टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ उसका तो बन ही जाएगा फिर और काम हो जाएगा खाने का तैयार जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उबालना है चावल और आलू, दोनों को धोते हैं पहले। आलू मल के धोना, सारी मिट्टी उतारनी है और चावल बिल्कुल हल्के हाथ से धोना, रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है, पानी साफ आने तक इसको धोना है 3-4 बार में, ठीक है। तो इसको धो लेते हैं पहले। हाँ, तो 1.25 कप चावल भिगोए थे, धोए थे अभी, भिगोना तो मैं ये चावल हल्के से मैं धो लिए बिल्कुल आराम से। 1.25 कप हमारा जैसे चावल था तो 2 बार 1.25 कप ये गया पानी का और जाएगा इसमें 1/2 चम्मच सॉल्ट की जाएगी, ये 1/4 चम्मच नमक का और साथ में जाएगा थोड़ा सा घी। थोड़ा सा घी का मतलब तकरीबन 1 चम्मच, 1 टीस्पून के करीब गया घी का। बस इसको बंद करके रख लेते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद गैस जलाएंगे। तो 10 मिनट इसका भीगना इसी पानी में। आलू ऐसी चीज़ जिसको उबाल के आप फ्रिज में रखोगे तो बहुत कुछ काम कर पाओगे। 2 उबालने हो या 10 उबालने हो, कितने भी आलू उबालने हो, 1 चम्मच नमक का डालोगे और पानी उतना जितने में के आलू भीग जाए, तो पानी उतना जितने में भीग जाए। बस बंद करते हैं इसको और 3 विसिल इसकी दिलवाएंगे फुल स्पीड पे, तो इसका काम हो जाएगा। आलू उबालने में किसी भी टाइप का कुकर ले सकते हो, जरूरी नहीं स्टील वाला लिया जाए, उल्टा स्टील वाले में कुकिंग पीरियड बढ़ जाता है चीज का। दोनों तरफ गैस जला देते हैं आलू वाला भी और चावल वाला भी। चावल वाले को 1 विसिल के बाद बंद कर देंगे और इसको 3 विसिल के बाद। तो इनको चेक कर लेते हैं, 1 विसिल हमने चावल की दिलवाई थी, चला लो इसको और चेक करो इसका दाना कैसा कह रहा है। यहाँ देखो इसको, चावल का दाना आपको लग रहा है ना खाने लायक, बस इतना ही करना पड़ता है, ढक के रख दो चावल का छींटा लगा के अगर कसर लगे तो, वरना ये अपनी हीट में हो जाता है तैयार। और यहाँ है आलू, चेक करो मीडियम साइज का आलू है, 3 विसिल लगवाई थी इसको और ये देखो इसको मैंने प्रिक करा, तुरंत आलू आखिर तक चला गया है ना, तो ये तैयार है बिल्कुल। इसको हम निकाल लेते हैं, इस कुकर को खाली करते हैं और इसमें अंडा उबालते हैं। तो कुकर में हम उबालने वाले हैं आलू, सॉरी अंडे, एग्स उबलने के लिए। अभी तक आपने देखा नहीं होगा कि कोई कुकर में भी उबालता है, लेकिन हम ऐसा ही करने वाले हैं ताकि बच्चों का काम रहे बिल्कुल आसान। और इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, पानी है बस इतना जितना एग के आधी तरफ जा रहा है। कुकर बंद करते हैं, गैस हो गया तेज, 1 विसिल आएगी गैस बंद हो जाएगा, आलू बिल्कुल आपको एग तैयार मिलेंगे। एक विसिल एग की और गैस हो गया बंद, बस ये रिलीज हो जाएगी स्टीम, तो खोल के दिखाती हूँ आपको। स्टीम इसकी, विसिल इसकी रिलीज हो चुकी है, देखिए खोल के। देखो कैसे निकल रहे हैं अंडे हमारे, कभी जब आप पतीले में या किसी चीज में उबालते हो ना, 10 चीज डालते हो कि टूटे ना फूटे ना, है ना, और ऐसे करोगे तो देखो कितनी हिफाजत से तैयार हो गई है। तो एग्स हो गए बॉयल के तैयार, अब इनकी क्या क्या चीज़ बनाएंगे दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।